है। तो थोड़ा सा अगर मैं सच नाइस इंट्रोडक्शन व्हिच हैज बीन शेयर्ड इन द मैसेज, संजय भैया इज अ टीचर, ही हैज बीन अ स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर फॉर पुणे अहमदनगर, ही इज अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर एंड वेलनेस कोच. अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एंड भैया मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आपकी शक्ल से आप बहुत यंग लगते हैं. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट प्लीज. थैंक यू। इट्स मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ही हैज ऑल्सो वर्कड अब्रॉड एंड स्टेड एट यूएस फॉर ऑलमोस्ट 8+ इयर्स. He has been spreading Gurudev's knowledge since 19 years, and we welcome Sunil Bhaiya to our session today. And heartiest wishes to you, all of us who have joined. हम लोग ये भैया हम लोग ये session almost पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, जब से lockdown हुआ तब से हमें sessions कर रहे हैं, and we're so excited to you know daily hear from Art of Living faculty. तो आप आज आपका स्वागत है और हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े उन सबका स्वागत है. आज का मैं बस टॉपिक का नाम लूंगा एंड देन ओवर टू यू. आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा, बहुत ही दिल को छूने वाला टॉपिक है एंड सच अ यूनिक टॉपिक. हनुमान्स डिवोशन, मीनिंग ऑफ हनुमान्स डिवोशन इन टुडेज टाइम्स. आज के वक्त में हनुमान जी की जो डिवोशन है उसका क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या रेलेवेंस है. भैया ओवर टू यू, आप अपने एक्सपीरियंस से प्लीज हमें शेयर करिए ये डिवोशन ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज में भी इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई होगी. डिवोशन क्या चीज है, किस तरीके से आदमी डिवोटेड हो सकता है, कब कहते हैं कि आदमी डिवोटेड हो गया. सो ओवर टू यू भैया. थैंक यू वेरी मच. 3 बार ओम का उच्चार करते हैं क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, करवाने वाले तो गुरुदेव है, करवाने वाले तो राम जी है, हनुमान जी है. आंखें बंद कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, मुस्कुराते हुए सांस भरें और छोड़ दें. ओम के लिए सांस ले. गुरुदेव श्री रविशंकर जी का स्मरण करते हैं जो कि एक ब्रह्म ज्ञानी है. इस धरती पर हम बहुत सौभाग्यशाली है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे सद्गुरु हैं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. और अभी राम जी को याद करते हैं. सात बार मेरे साथ श्री राम, जय राम, जय राम बोलेंगे क्योंकि जहां राम जी है वहां हनुमान जी अवतरित हो जाते हैं. पूरे श्रद्धा के साथ राम जी का नाम लेंगे. श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम.
और धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। तो आज का टॉपिक है हमारा हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी की भक्ति जानने से पहले हम हनुमान जी के शक्ति को जान लेते हैं। हाँ, एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब रावण के साथ युद्ध हुआ राम जी का, तो इंद्रजीत जो रावण का बेटा था सबसे बड़ा, उसका नाम मेघनाद भी था, उसने इंद्र को जीता था इसलिए उसका नाम इंद्रजीत था। बहुत पावरफुल था। रावण के सेना में दो लोग बहुत पावरफुल थे, एक तो इंद्रजीत और दूसरा कुंभकर्ण। तो इंद्रजीत क्या करता है, जब वो सबको नाग के अंदर फंसा देता है तो सब लोग बेशुद्ध हो जाते हैं, सब लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग रामा और लक्ष्मण। सिर्फ विभीषण और हनुमान जो है वो शुद्ध रहते हैं, शुद्धि पे रहते हैं। और उस वक्त विभीषण के पास पहुंचते हैं जामवन, जब विभीषण जी पहुंचते हैं जामवन के पास, और जामवन पूछते हैं कि आप कैसे हो। जामवन जी पूछते हैं कहाँ है हनुमान, मुझे बताइए। हनुमान जी बोलते हैं, बहुत ही नम्रता के साथ बोलते हैं, मैं यहाँ पर ही हूँ और मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। उस वक्त विभीषण पूछते हैं जामवन को कि आपने राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में क्यों नहीं पूछा। तो जामवन बोलते हैं कि अगर हनुमान जी सही है तो सब कुछ सही होने वाला है, अगर हनुमान जी सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। हाँ, ये शक्ति है हनुमान जी की। इस शक्ति के साथ, इस शक्ति के बारे में हम जानते हैं आज, उनकी भक्ति के बारे में जानते हैं, और उनकी भक्ति हमारे जीवन से कैसे जुड़ी है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है, कैसे मिलता है, और उसमें गुरु की क्या महिमा है, वो मुझे बहुत अद्भुत लगा। जब मैं सुंदरकांड का पाठ हम करते हैं, रामायण हम पढ़ते हैं, तो बहुत अद्भुत लगता है कि हमारे जीवन में गुरुदेव श्री रविशंकर जी है, जैसे हनुमान जी के जीवन में राम जी थे। एक बार हनुमान जी को पूछते हैं, राम जी पूछते हैं हनुमान जी को कि भाई आपको क्या लगता है हनुमान यानी क्या है, आपको क्या लगता है, आप क्या लगते हो। हनुमान जी बोलते हैं, देखो जब मैं खुद को शरीर समझता हूं तो मैं आपका सर्वेंट हूं, है ना। मैं खुद को एक इंडिविजुअल समझता हूं, एक इंडिविजुअल आत्मा समझता हूं, मैं आपका ही पार्ट हूं। और जब मैं खुद को ब्रह्म समझता हूं तो मैं और आप एक ही है। हाँ, तो ऐसे है परम भक्त हनुमान जी। हाँ, उनको परम भक्त की, शिरोमणि भक्त की उन्हें पदवी दी गई है हनुमान जी को, है ना। हाँ, हनुमान जी की तो बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है। आपको पता होगा हनुमान जी की भक्ति राम जी के बारे में कैसे थी। एक बार क्या होता है, एक ऋषि मस्ती करते हैं, बोलते चलो मस्ती करते हैं। हाँ, और वो राम जी के यहाँ पे विश्वामित्र आते हैं, गुरु होते हैं, और वशिष्ठ आते हैं, गुरु होते हैं, और वहां पे सबको भोजन दिया जाता है, और भोजन के बाद सबको नमस्कार करना होता है। तो नारद जी बोलते हैं हनुमान जी को, आज थोड़ा मस्ती करते हैं, आप विश्वामित्र जी को नमस्कार मत कीजिए, देखते क्या होता है। तो हनुमान जी ऐसे ही करते हैं, सबको नमस्कार करते, सबको वंदन करते हैं, उनको ही वंदन नहीं करते। अब ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है,
वो कंप्लेंट करते हैं हनुमान जी की राम जी के पास कि देखो वो हनुमान सबको वंदन किया, मुझे वंदन नहीं किया। आप तो बोलते हो बहुत भक्त हैं, तो आपको उसको दंड देना पड़ेगा। बोले ठीक है, आप बताओ क्या दंड देना चाहिए। बोले आप उसको मृत्यु दंड आपको देना है। यू हैव टू, यू नो, हिंदी समझ में आ रहा है सबको? हिंदी समझ में आ रहा है? ठीक है, हिंदी समझ, ठीक है, मृत्यु दंड आपको देना है। तो ठीक है, तो मृत्यु दंड के लिए तो राम जी को बाण चलाना पड़ेगा। तो हनुमान जी बैठे हुए हैं और जो गुरु ने बोला है वो तो सुनना ही है। तो राम जी अपना बाण चलाते हैं और हनुमान जी के ऊपर बाण चलाते हैं, मगर वो बाण हनुमान जी को टच भी नहीं करता है, क्योंकि हनुमान जी राम जी का नाम लेते रहते हैं। तो गुरु का नाम, गुरु की भक्ति गुरु के शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है। गुरु की भक्ति गुरु के शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है। यह हनुमान जी ने बार बार प्रूव कर दिया है कि राम के नाम में जो शक्ति है, राम के नाम में जो भक्ति है, वो उसका अद्भुत उसका रूप है, अद्भुत उसका रूप है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको यहां पर जैसे हनुमान जी को राम जी मिले, वैसे हमको श्री श्री रविशंकर जी मिले हैं। हाँ, बहुत ही भाग्य की बात है। देखो, बहुत ही भाग्य की बात है, जो एक सगुण ब्रह्म हमें मिलते हैं जीवन के अंदर, बहुत ही भाग्य की बात है। कहते हैं ना, राम उसमें कहा है, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सेवक बहुत बड़भागी है कि हमें सगुण रूप में, यानी लाइफ फॉर्म में हमें गुरुदेव मिले हैं। हाँ, बहुत कम लोगों को यह नसीब होता है। तो ये जो भक्ति की परिकाष्ठा है, जो हनुमान जी जो भक्ति का एकदम बोलते हैं ना अपेक्स, शिखर जो है, उसकी हम आज थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हाँ, तो हनुमान जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखने लायक है। कितने लोगों ने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ सुना है या किया है? कितने लोगों ने किया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको पता ही है, सुंदरकांड के पाठ के अंदर एक भक्त की महिमा का वर्णन किया हुआ है, एक भक्त की महिमा, क्योंकि भगवान भी वही चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे से बड़ा हो। वही भक्ति की परिकाष्ठा है। गुरुजी भी चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो सब तरफ उसका नाम हो, सबकी सेवा में लग जाए। तो ये जो भक्ति है हनुमान जी की, अलग अलग तरह से झलकती है। हनुमान जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, शुरुआत करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, जब जामवन जी उनको बोलते हैं कि भैया अभी कोई समुन्द्र पार नहीं कर सकता है, मगर तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो हनुमान जी इमीडिएटली एक पर्वत के आकार के हो जाते हैं। पर्वताकार लिखा है उसके अंदर। और फिर उसके बाद फिर से छोटा हो जाते हैं और फिर से बोलते हैं, जामवन को पूछते हैं, अच्छा मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं बताओ। विनम्रता इतनी है कि वो जो बात कर, किसकी भी बात पूरा 100% सुनते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी जो हमको जीवन में सीखना है हनुमान जी से, वो है प्रॉपर लिसनिंग, सिंसियर लिसनिंग, अच्छे से सुनना, है ना। हमने आडोलिन के कोर्स में भी सुना है, दिखा है, हमने समझा है कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। हम सुनते ही नहीं है बात को, सुनते हैं कानों से, सुनते हैं दिमाग से नहीं सुनते, अंदर नहीं जाता है कुछ, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलती है कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है विनम्रता कितना इंपॉर्टेंट है। विनम्रता के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सुंदरकांड के अंदर, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, जब हनुमान जी आते हैं राम जी के पास, पूरी लंका को जलाने के बाद राम जी के पास आते हैं और राम जी बोलते, अच्छा तुमने क्या किया बताओ।
तो अपने दोस्तों को तो बहुत बताते हैं, हनुमान जी अंगद को बहुत बताते हैं और सब वानर सेना को बताते हैं कि उन्हें क्या क्या किया, मगर जैसे ही वो राम जी के पास जाते हैं वो बोलते हैं मैं तो बंदर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो एक शाखा से दूसरे शाखा जाना जानता हूं, ये सब आपके वजह से हुआ है बॉस, मेरा इसमें कुछ नहीं है, या देयर इज नथिंग फ्रॉम माय साइड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये जो विनम्रता है, जो सजगता है हनुमान जी के अंदर, देखो कितनी सजगता है। जब हनुमान जी जाते हैं सीता मैया उनको मिल जाती है, ढूंढ यानी वो समझता है कि ये सीता मैया हो सकती है, पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, एक छोटा सा एक मच्छर के छोटे से बन के बैठे रहते हैं, और तब वहां रावण आता है मंदोदरी के साथ में, और रावण बड़ा तलवार लेके धमकी देके जाता है सीता मैया को, अगर तुमने एक महीने में नहीं मेरी बात मानी तो मैं तुमको मार दूंगा। और रावण चला जाता है, और उसके भैया उसके बाद सीता मैया बहुत परेशान होती है, बहुत परेशान होती है, वो बोलती है कि ये जो बादल बरस रहे हैं, ये अग्नि के बादल क्यों नहीं बरसते हैं, ये मुझे लेके जाइए, इतनी परेशान होती सीता मैया। वो सब होने के बाद फिर हनुमान जी सजगता के साथ पेड़ के ऊपर बैठकर पहले राम जी की कथा बोलते हैं, है ना। जैसे ही राम जी की कथा बोलते हैं वैसे सीता मैया का जो दुख है वो धीरे 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 कम हो जाता है। उनकी सजगता देखिए आप, जैसे ही वो दुख कम हो गया फिर आदमी जो व्यक्ति है वो सुनने लायक होता है, दुख में व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनता है, खुद का दुख ही उसको आगे नहीं जाने देता है। तो तब सजगता के साथ हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी वो जो राम जी ने दी हुई अंगूठी होती है, मुद्रिका होती है, वो नीचे डालते हैं। सबसे पहले मुद्रिका, सबसे पहले राम कथा के बाद मुद्रिका डालते हैं। सीता मैया देखती है तो मुद्रिका मुझे लग रही है राम जी की है शायद। सीता मैया बोलती है कौन है भाई, तुम क्या छुप के बैठे हुए हो, नीचे मुझे प्रकट हो जाओ। हाँ, तब हनुमान जी नीचे उतरते हैं। सजगता देखिए, सजगता का यू नो पीक ऑफ सजगता, पीक ऑफ अवेयरनेस इन हनुमान जी, या यानी क्या है, हमारे सांस के द्वारा हनुमान जी हमारे सांस का प्रतीक है, हमारे सांस के द्वारा हम अवेयरनेस को लेके आ सकते हैं, सुदर्शन क्रिया के द्वारा हम प्राणायाम के द्वारा अवेयरनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि हर क्षण हम सजग रह सकते हैं। और जैसे ही हमारी सजगता बढ़ गई हम उस क्षण के अंदर हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है। तो जैसे ही सीता मैया देखती है अंगूठी, बोलती है अरे, उनको विश्वास नहीं होता है कि तू राम जी के सेना का है। तो तब बोलते हैं, वो राम जी का एक नाम लेते हैं जो सिर्फ सीता मैया को ही पता है। तब सीता मैया को विश्वास होता है नहीं, ये तो राम जी के पास से ही आया हुआ है। तो सजगता का प्रतीक, भक्ति का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, विनम्रता का प्रतीक है हनुमान जी। तो ऐसे हनुमान जी का हमारे जीवन के अंदर आज यही चीजें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के जीवन में हमारे लिए वही जरूरी है। एक म्यूट कर देते हैं, कौन बात कर रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है हनुमान जी से, हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग। तो मैं आपको कुछ कुछ प्रसंग बताने वाला हूँ, मगर आप आपको भी प्रश्न पूछोगे तो आप और उत्तर देते जाऊंगा। और एक प्रसंग है, देखो जैसे हनुमान जी उड़ते हैं लंका जाने के लिए, वहां पे एक पर्वत होता है मैया, वो पर्वत बोलता है कि भैया मैनाक पर्वत होता है, बोलता है अभी तुम बहुत थक गए होंगे, मेरे ऊपर विश्राम ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, विश्राम करो। हनुमान जी क्या बोलते हैं, मुझे विश्राम के लिए टाइम नहीं है अभी, मेरा एक ही काम है सीता मैया को ढूंढना, या सिंगल फोकस इन लाइफ, एक तत्व अभ्यासा, जो हम पतंजलि योग सूत्र में भी सुनते हैं, एक तत्व अभ्यासा,
अगर हम 10 जगह शॉपिंग करेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा। 10 जगह हम बोरवेल खोदेंगे तो पानी नहीं निकलता है। एक ही जगह जब आप ज्यादा डीप जाते हो तो वहां से पानी का फव्वारा आता है। तो हमारे जीवन में हनुमान जी से क्या सीखना है, एक तत्व अभ्यासा, एक गोल को पकड़ के बैठे हो उसको नहीं छोड़ना है, एक गुरु को पकड़ के बैठे हो उसको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे मुश्किलें आएगी, हनुमान जी गए तो 3 मुश्किलें उनके जीवन में आई। देखो जब हनुमान जी उड़ते हैं तो सबसे पहले मुश्किल आती है आकाश के अंदर, सुरसा नाम की वो होती है नागों ने भेजी हुई, हाँ उसको देखो कितना हनुमान जी कितने इंटेलिजेंट है, पीक ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ तो वो जैसे जैसे हनुमान जी उसको प्रार्थना करते, भाई मुझे जाने दे, मैं आने के बाद तुझे मैं तू मुझे खा लेना, मुझे अभी तो जाने दे। सुरसा बोलती नहीं अभी खाऊंगी, तो सुरसा अपना बदन बढ़ाती है, हनुमान जी और ज्यादा बढ़ाते हैं, है ना, डबल करते हैं। और जब सुरसा हो जाती है बहुत ज्यादा 64 miles, यू नो, तो हनुमान जी कितना बुद्धि यूज करते, छोटा बन जाते हैं, उसके मुंह में जाके टच करते और बाहर आ जाते। पीक ऑफ अवेयरनेस, पीक ऑफ इंटेलिजेंस, पीक ऑफ हम्बलनेस। ऐसा नहीं कि उतना बड़ी तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, नहीं। अपना काम क्या है, सीता मैया को ढूंढना, अपना काम इसे झगड़ा करना नहीं है सुरसा से। सुरसा को तो मैं कभी भी मार सकते थे वो, मगर उसका आदर करके आगे बढ़ना उनका काम है। तो टच करके बाहर निकल गए और वही सुरसा फिर उनको आशीर्वाद देती है, भाई तुम जाओ, तुम्हारी जर्नी सक्सेसफुल होने वाली है। तो हम जब आकाश में, यानी क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं हैं हमें बहुत परेशान करती है। इच्छाओं का स्वरूप भी वायु के जैसा है, एक इच्छा अगर आप पूरी करो तो दूसरी इच्छा आ जाती है। एक साड़ी खरीदो तो 4 साड़ियां और चाहिए, है ना, एक एक रेस्टोरेंट में जाओ तो और ज्यादा 4 रेस्टोरेंट चाहिए। हमारी इच्छाओं को कोई टेल नहीं है, देयर इज नो टेल टू योर डिजायर्स। हनुमान जी नोज इट वेरी वेल, सो ही जस्ट टच करते हैं और आगे चले जाए। सजगता के साथ अब जब इच्छा को देखते हैं तो वो इच्छा का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो कम हो जाता है। और गुरुदेव हमको बोलते हैं ना, हमको प्रभाव में भी नहीं आना है, अभाव में भी नहीं जीना है, हमें स्वभाव में जीना है। यस यस हाँ, तो ये हनुमान जी से हमको सीखने लायक बात है। दूसरी बाधा आती है उनके, जब आती है तो समुन्द्र में आती है, यानी पूरे सागर के अंदर। वहां एक राक्षसनी होती है जो कोई भी शैडो अगर दिखी तो उसको पकड़ लेती है और उसको मार देती है। तो हनुमान जी को तो पता चल जाता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। 8 अवलिंग में इंट्यूशन का प्रोग्राम भी है ना, आपको सबको पता है ना। वो छोटे बच्चों को ही दिया जाता है क्योंकि बहुत इनोसेंट होते हैं बच्चे। तो हनुमान जी उसको भी मार देते हैं। तो उसका मतलब क्या है, हमारे जीवन से क्या जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास बहुत कुछ है, सागर इतनी गहराई है, तो भी जीवन के अंदर जेलसी आ सकती है, ईर्ष्या आ सकती है। जिनके पास बहुत होता है उनके अंदर ईर्ष्या बहुत जल्दी आती है। मेरे से ज्यादा पैसा उसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे से अच्छी सिंगर वो नहीं होना चाहिए, मेरे से अच्छा कलाकार वो नहीं होना चाहिए। तो इच्छा को भी हमको दबाना पड़ेगा, तभी हम हमारे लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहला इच्छा, दूसरी है ईर्ष्या, और तीसरा ऑब्स्टेकल आता है जो जमीन पर है। जब हनुमान जी पहुंच जाते हैं लंका तो वहां गेट कीपर होती है, सिक्योरिटी गार्ड, लंकिनी उसका नाम होता है, सुना है ना आपने, देखा होगा आपने, सुंदरकांड जिसने पुना है उनको तो पक्का पता है। हाँ तो लंकिनी यानी क्या है, लंकिनी क्या बोलती है, तो भैया हाउ आर यू गोइंग इनसाइड, मेरा तो तुमने गेट पास लिया नहीं, मेरे से साइन तो किया नहीं, हाँ चलो। तो हनुमान जी उसको एक ठूसा मारते और वो फिर खून की उल्टी करती है और उठ के खड़ी होती है, बोलती है अच्छा होगा तुमने मुझे ठूसा मारा, क्योंकि जब ब्रह्मा ने वरदान दिया था रावण को कि कोई जब बंदर तुम्हें ठूसा मारेगा तो राक्षस का कुल नाश होने वाला है। तो लंकिनी बोलती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं राम के भक्त को देख सकी आज जीवन के अंदर।
तो लंकिनी किसका रूप है? अविवेक का रूप है। हमारे जीवन में अविवेक होते से परेशानी होती है, तो विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी है। विवेक के जागृत होने के लिए हमको जो हमारे जो बहुत पकड़ के रखती है ना, उसको ठूसा मारना पड़ेगा, अटैचमेंट को ठूसा मारना पड़ेगा, मोह को ठूसा मारना पड़ेगा, तभी विवेक जागृत होता है। गुरुजी बोलते हैं ना, विवेक यानी क्या, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज सर्टन व्हाट इज अनसर्टन। व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, मगर हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सेल्फ है, वो नहीं बदलता है। हाँ, तो उसके साथ जब हम एक होते हैं ना, विवेक बुद्धि जब हम यूज करते हैं, तो हनुमान जी के साथ एक हो गए। यस, तो इच्छा शक्ति, समझ रहे हो, बाद में जेलसी, और बाद में तीसरा है अविवेक। इन तीनों से हमें पार जाना पड़ेगा, तभी हम जाकर विभीषण को मिल सकते हैं। और देखो, विभीषण को जब मिलते हैं हनुमान जी, तो विभीषण तो राम राम का नाम बहुत लेता है, मगर फिर भी राक्षस कुल के अंदर जन्मा हुआ है, राम जी के दर्शन नहीं हुए, इतने साल राम का नाम लिया। तो जब उन्हें एक संत के दर्शन होते हैं, एक राम भक्त के दर्शन होते हैं, तब उनके अंदर वो विवेक जागृत होता है। हनुमान जी के सानिध्य के अंदर ही डीप समाधि में चले जाते हैं विभीषण खुद। तो राम भक्ति के साथ में राम जी का काम करना भी बहुत जरूरी है। देखो, उसके हनुमान जी से मिलने के बाद विभीषण बोलना शुरू कर दिया सच बात रावण की सभा में, पूरे सभा में रावण की बोलता है विभीषण कि इनको कुछ मत करो। तो सेवा भी बहुत जरूरी है, भक्ति के साथ सेवा का एंगल जुड़ेगा तो हमें राम जी के दर्शन होंगे, समझ रहे हो? यस, हाँ। और हनुमान जी वो है जो सेवा को जागृत करते, विभीषण की सेवा को उन्होंने जागृत कर दिया। विभीषण एक भक्त, ये जो डिवोटी था, उससे भक्त बन गया। तो इतना सुंदर रामायण के अंदर हर क्षण एक ज्ञान भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, और वही ज्ञान हमें गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा सहज रूप से दे दिया है। मैं तो यही जानता हूं, जब भी मैं सुंदरकांड पढ़ता हूं, मेरे आंखों में आंसू आने लगते हैं कि गुरुदेव, तब आप राम रूप में आए थे, अभी आप गुरुदेव के रूप में आए हो हमारे साथ। जो सगुण रूप आपने तब लिया था, अभी भी आप वो सगुण रूप में आकर हमको सहजता के साथ दे रहे हो। सुदर्शन क्रिया हमारा जो सहज समाधि मेडिटेशन है, एडवांस कोर्स है, सुपर अल्टीमेट है, समझ रहे? यस, नो, आर यू ऑल विद मी? तो हनुमान जी के जीवन से तो इतनी सारी चीजें हम सीख सकते हैं, इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं। आपको पता है ना, जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं, तो सुंदरकांड तो लिखा है, रामायण तो लिखी है 700 साल पहले, तब उन्होंने लिखा है, there are 49 types of airs, 49 प्रकार के अलग अलग वायु होते हैं, और वो हर वायु साथ देते हैं हनुमान जी को लंका को जलाने के लिए। जैसे ही आग लग गई लंका के अंदर, वैसे 49 तरह के वायु जलना बहने लगते हैं। तो जब हम राम जी के साथ होते हैं, जब हम गुरु के साथ होते हैं, तो हमारा काम सहज होने लगता है। सिर्फ आप एक चिंगारी लगाइए, बाकी काम सहज होने लगेगा। हम एक निमित्त मात्र होके काम जब करते हैं, तो हमारा बाकी काम गुरु कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी पूछ जला के बिल्डिंग के ऊपर गए, अपने आप लंका को आग लग गई, पूरी लंका जल गई। सिर्फ विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि वो भक्त का घर था, वहां तमस नहीं था, वहां सत्व का उदय हो रहा था। तो जहां सत्व है, वहां प्रॉब्लम्स कम आते हैं।
वहां परेशानियां कम आती है, इसीलिए सत्संग का बहुत महत्व है ना। हाँ देखो विभीषण तो बोलता है ना कि जैसे 32 दांतों में एक जीव होती है, वैसे ही मैं राक्षसों के कुल में जी रहा हूं। हाँ तो हनुमान जी बोलते हैं उनको, कितना सुपर्ब है। हनुमान जी बोलते हैं, अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बंदर हूं, बंदर का मुंह देख के लोगों को खाना नहीं मिलता है। मुझे जब स्वीकार किया राम जी ने तो आप तो इतनी भक्ति करते हो। उनको ऊपर उठा दिया विभीषण को। तो हनुमान जी जो उदास है उनको दास के पास लेकर जाते हैं, जो निराश है उसकी निराशा खत्म कर देते हैं, जिसको बहुत अहंकार है उसका अहंकार चूर चूर कर देते हैं, जैसे रावण का अहंकार चूर चूर कर दिया हनुमान जी ने, है ना। अकेले हनुमान जी ने पूरे रावण की लंका को जला दिया, उनके एक बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को। मेघनाथ को भी मारने ही वाले थे, मगर जब मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो हनुमान जी बोलते हैं मैंने ब्रह्मास्त्र का आदर करना चाहिए, इसलिए हमारे अपने खुद के गुरु के लिए अपने आप को बांधना अलाउ कर देते हैं। He allows himself to be tied in that रस्सी। तो गुरु के लिए कुछ भी। यस ये है भक्ति की पराकाष्ठा, कि बोला है ना मैं करता हूं, बाद में देखते जो होगा देख लेंगे, दैट्स इट यू नो। और कितने इंटेलिजेंट है, जब आते हैं सीता मैया के पास पूरी लंका जला के, बोलते सीता मैया वैसे तो मैं आपको लेके वैसे तो मैं आपको अभी यहां से ऐसे लेके जा सकता हूं, है ना, कोई राक्षस मुझे रोकेगा नहीं, मगर मैं नहीं चाहता हूं ऐसे करना, क्योंकि राम जी आएंगे आपको लेके जाएंगे। उनकी महिमा जो है, राम जी की महिमा तभी है जब वो आपको लेकर जाएंगे यहां से। तो इतनी विनम्रता है, इतनी सजगता है, इतनी बुद्धिमानी है, इतनी भक्ति है, तो ये भक्ति के साथ सब जुड़ा हुआ है। हनुमान जी की भक्ति की वजह से उनको सब कुछ अपने आप मिलते गया, और उन्होंने उस भक्ति का उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। और ये हमें गुरुदेव ने दिया है, इस जीवन में दिया है, सुदर्शन क्रिया के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस अनुभूति को हम रोज प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी जब लंका से बाहर इंडिया बच आते हैं, इतने इंटेलिजेंट है, देखो वो जोर से आवाज करते हैं, जैसे हमने सीखा ना बेसिक कोर्स में सीखा ना, करते हैं ना, हमने सुना है ना, हाँ वैसा आवाज करते हैं। और उस इतना बड़ा आवाज होता है कि जो भी राक्षसनी जो होती है, जो प्रेग्नेंट राक्षसनी होती है, उनके गर्भ गिर जाते हैं। यानी हनुमान जी चाहते हैं कि राक्षस का अगला कुल भी ना आए, इतना इंटेलिजेंस है उस टाइम पर भी, इतना अचीवमेंट किया फिर भी अवेयरनेस नहीं गया। स्थित प्रज्ञ बोलते हैं ना, वो स्थिति के अंदर उन्होंने उनका बार बार उसकी अनुभूति दे रहे हनुमान जी। जाते जाते भी उन्होंने जो विध्वंस करना था वो कर बैठे, जाते जाते भी, लंका छोड़ते छोड़ते भी। हाँ फिर आते हैं हनुमान जी इंडिया, और वो सब स्टोरी है। एक प्रसंग आता है उसके अंदर राम जी और हनुमान जी का, बहुत ही सुंदर प्रसंग है सुंदरकांड के अंदर, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। तो जिसमें अभी हनुमान जी और राम जी का मिलन होने वाला है, तो उनको बताते हैं सुग्रीव जामवंत, बताते हैं कि इन्होंने ही सीता मैया को ढूंढा है। तो राम जी बोलते हैं कि तुमने जो काम किया है वो एक मनुष्य नहीं कर सकता है, एक देवता नहीं कर सकता है, ऐसा तुमने काम करके बताया है। मैं तुम्हारे नजरों के ऊपर भी नहीं देख सकता हूं, मैं तुम्हारे ऋण कैसे अदा करूं, ऐसे राम जी बोल रहे हैं हनुमान जी को। सोचो, एक गुरु
अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऋण को कैसे अदा करूं, हाउ कैन आई यू नो गो ओवर व्हाट यू हैव डन फॉर मी। हनुमान जी बोलते बॉस, साष्टांग नमस्कार करते हैं हनुमान जी राम जी को, और उस क्षण राम जी की आंखों में भी आंसू है, हनुमान जी की आंखों में भी आंसू है, और राम जी उनको उठाने की कोशिश करते हैं मगर उठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं पाते हैं। हनुमान और राम का एक मिलन हो गया उस वक्त, शरीर नहीं रहा उस वक्त, भक्त और भगवान एक हो गए। फिर उनको बड़े प्यार से राम जी उठाते और अपने गले लगाते हैं। शायद एक ही व्यक्ति होगा जिनको राम जी ने गले लगाया हो, एक्सेप्ट सीता मैया। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और वो प्रसंग ये शिवजी जब लिख रहे हैं, शिवजी बोलते हैं ये प्रसंग जो पढ़ेगा जो सुनेगा उसका ऐसा ही कल्याण हो जाएगा, इतना भक्ति का उसके अंदर यू नो वो भर भर के भक्ति वो कुछ लाइनों के अंदर तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, आप जरूर पढ़िए, आपने अगर सुंदरकांड नहीं पढ़ा हो, और ये सब मीनिंग के साथ पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा जीवन का। और ये चीजें नहीं भूलना है कि ये चीजें हमें सहज रूप से अभी गुरुदेव के सानिध्य में मिल रही है ना। शायद 50 60 100 साल के बाद जब हमारे नाती पोती कोई बोलेंगे, अरे ये देखो इनके साथ मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी ने इनके चरण स्पर्श किए हैं, हाँ ऐसे होने ही वाला है। तो जरूर जरूर हमें जो मिला है वो हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें गुरुदेव इस जीवन में मिले हैं, सगुण रूप में मिले हैं, निर्गुण रूप में तो बहुत सारे संत महात्मा हैं, सगुण रूप में गुरु मिलना जब हम भी शरीर रूप में है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हजारों सालों के बाद कभी तो होता है। या ये एक बार एक और प्रसंग आता है, मैं उसको रिलेट करना चाहूंगा गुरुदेव के साथ। अभी सब हनुमान जी आ गए, राम जी को मिल लिए, उसके बाद बोलते हैं कि भाई अभी हमको पता चल गया कहां पे है सीता मैया, लंका में हमको जाना पड़ेगा उधर। तो सब बंदर लोग थक गए, करोड़ों बंदर होते हैं चारों डायरेक्शन में जाते हैं, एक महीना बहुत मेहनत करते हैं सीता मैया को ढूंढने की, जंगल में हर झाड़ी के अंदर हर जगह ढूंढते हैं, सीता मैया नहीं मिलती है, थक जाते हैं एक महीने के अंदर। और पूरी सेना वानर सेना ऐसी बैठी हुई है, करोड़ों की वानर सेना बैठी हुई है, राम जी तो समझ जाते हैं कि ये सब थकी हुई है। राम जी क्या करते हैं पता है, राम जी सिर्फ एक नजर उनसे घुमाते हैं, ऐसी एक नजर घुमाते हैं, एक नजर के अंदर एक एक बंदर पर्वत के समान की शक्तिशाली हो जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है एक एक वानर के अंदर, एक गुरु के नजरों से कैसा भी व्यक्ति ताकतवर हो सकता है। मैंने ये चीज खुद 2010 में देखी, यहाँ पे पूना के अंदर अंतरनाथ नाम का प्रोग्राम था, आपने सुना होगा उसके बारे में, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ वो, 2700 सिंगर्स हमारे यहाँ पे एक साथ गाए, और ये सिंगर्स काफी मेहनत कर रहे थे पिछले 20-25 दिनों से, और थक गए थे बहुत सारा, और गुरुदेव प्रोग्राम के दो दिन पहले पूना आते हैं, और एक दिन पहले सब सिंगर्स को जो स्टेज बना था, बहुत बड़ा स्टेज बना था, उसके स्टेप्स से मेरे ख्याल से 17-18-19 को स्टेप्स होंगे उसके, पता नहीं कितने सारे स्टेप्स थे, और गुरुदेव सब सिंगर्स बैठे हैं स्टेज के ऊपर एक दिन पहले प्रोग्राम के, सब सिंगर्स थके हुए हैं, गुरुदेव कुछ नहीं, गुरुदेव वहां 5 मिनट आते हैं, सिर्फ चक्कर मारते इधर से उधर गए गुरुदेव, ऐसा गुरुदेव ने देखा, और आपको पता है वो प्रोग्राम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। हर एक सिंगर की जो थकान थी एक क्षण में निकल गई, हर एक सिंगर की जो आवाज थी अपने आप खुल गई, ये है गुरु की शक्ति। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं। हमारी भक्ति जितनी तगड़ी है उतना उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। देखो, एक हम जब अगरबत्ती लगाते हैं तो आकाश को तो फर्क नहीं पड़ता है, उसकी सुगंध कहां पे आती है? हमको ही आती है कि नहीं? हमारे रूम में ही वो सुगंध घूमती है, आकाश में नहीं घूमती है, हमारे रूम में ही वो सुगंध घूम रही है। जितनी हम भक्ति है, जितनी हमारी श्रद्धा है, उतनी हमारी शक्ति बढ़ जाती है, उतनी सुगंध हमारी बढ़ जाती है। हाँ, तो ये हमें हनुमान जी के जीवन से सीखने लायक है। हर क्षण में हनुमान जी से हम सीख सकते हैं, उनका जीवन पूरा सीखने लायक है। और ये हमें अभी इस जन्म में अपॉर्चुनिटी दी है गुरुदेव ने, समझ रहे हो? हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है हमको और कुछ नहीं। अगर गुरुदेव चाहते हैं तो कुछ भी टाइम लगेगा नहीं हर व्यक्ति को कोर्स कराने के लिए। हाँ, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो, ये जो सेवा का इंपॉर्टेंस है ना, जब जटायु जब अपने प्राण छोड़ते रहते हैं तो राम जी बताते हैं जटायु को, क्या बताते हैं? बोलते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तीन कहू जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरों के हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनु तिज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। तुम शरीर छोड़कर मेरे परम धाम जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम वाले हो, आप तो सब कुछ पा चुके हो भाई। ऐसे राम जी बोल रहे हैं जटायु को कि जो भी व्यक्ति सेवा में जुड़ता है उसको जो कुछ भी पॉसिबल है सब कुछ मिलता है। जब हम निसर्ग के लिए काम करते हैं तो निसर्ग हमारे लिए काम करता है, जब हम दूसरों के खुशी के लिए काम करते हैं तो हमारी खुशी की जिम्मेदारी निसर्ग की हो जाती है, भगवान की हो जाती है। यस, हाँ। एक बार, आपको बोर तो नहीं हो रहा है ना, मैं बोलते ही जा रहा हूं। हाँ अभिषेक, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। अपना सुंदर कांड का इस तरीके से आपने वर्णन किया आज के डे में, नहीं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि अच्छा हमने एक वो कथा पढ़ ली। बहुत उत्तम, बहुत ही मजा आ गया सुनकर। सुनील भाई, सेवा का कितना इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताना चाहूंगा, सेवा का कितना इम्पोर्टेंस है मैं बताना चाहूंगा आपको। मेरे खुद के जीवन का अनुभव है कि मेरे जो ससुर जी थे उनको बहुत बड़ी गांठ हो गई थी अपने पीठ के अंदर, और वो कैंसर की गांठ थी, और मैं पूना में था, मेरी वाइफ नागपुर में थी जहां उनका ऑपरेशन था, तो मैं पूना में रह के तो कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं बोला क्यों ना मैं ये 5-6 घंटे सेवा में चले जाऊं। तो उनका ऑपरेशन था 11 बजे, हम तो चले गए कैंपेनिंग करने के लिए 10 बजे से। हम 10 बजे से 4 बजे तक हमने कैंपेनिंग किया हमारे कोर्स की, और फिर मुझे बीच में फोन आता है कि उनका ऑपरेशन एकदम बढ़िया हो गया और इतनी बड़ी जो गांठ थी वो आसानी से निकल गई और उनके स्पाइन को कुछ भी नहीं हुआ। तो जब हम सेवा में जब जुड़ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। हाँ, तो ये बहुत ऐसे एग्जांपल्स है सेवा के, बहुत एग्जांपल्स है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सेवा का मौका मिला है। एक ब्रह्म ज्ञानी के साथ, ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, एक ब्रह्म ज्ञानी के साथ सेवा करने का मौका मिला है, ब्रह्मज्ञानी के साथ। हाँ अभिषेक बोलो। भैया मैं ये बोल रहा था कि आपने इतना अच्छा सुंदर कांड के बारे में बताया कि कैसे हनुमान जी को अपने गुरु मिले, तो सुनील भैया आपको कैसे गुरुदेव का
ये मिलन हुआ और आप कैसे इससे जुड़े, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो मुझे तो गुरुदेव ऐसे ही मिल गए। मुझे मेरे कजिन ने बोला था कि मेरा पीठ का दर्द अच्छा हो गया सुदर्शन क्रिया करने से, तू भी कर ले, इतना ही उसने बोला, दो ही लाइन बोला था उसने। और जब मैं पुणे आया तो मैं एक जगह जाता था योगा करने, तब मेरा वजन 98 केजी था, मैं अमेरिका से जस्ट आया था, चीज खा खा के फुल फैट मिल्क पी पी के ऐसा बड़ा हो गया था मैं, एकदम जाड़ा जूड़ा हो गया था। तो मैं योगा करने जाता था वहां पर हमारे घर के पास, और फिर वहां पे एक दिन शाम को आर्ट ऑफ लिविंग का इंट्रोडॉक था, और मैंने सुना तो था ही सुदर्शन क्रिया के बारे में, थोड़ा सा सुना था। इंट्रोडॉक हुआ और मैंने इमीडिएटली उनको पैसे दे दिए, मैं बोला भाई मैं तो आ रहा हूँ कोर्स में, पैसे करके मैं कोर्स में चला गया। और तब 6 दिन का कोर्स हुआ करता था, 3 घंटे रोज, और वो कोर्स में मुझे बहुत मजा आया। सुदर्शन क्रिया और जो आई गेजिंग डांसिंग होता है ना अपने, इसमें जो होता है बहुत सुंदर होती है प्रक्रिया, तो उसके अंदर मुझे वो ऐसे लग रहा था कि गुरुदेव मेरे साथ डांस कर रहे है ना। तो तब से वो नाता जो जुड़ गया ना, दैट्स इट, डन डील, लकी। April 1st week 2001, आई कांट फॉरगेट दैट टाइम डेट दैट मोमेंट। या इसके आगे आप टीचर कैसे बने, और फिर टीचर कैसे बने, यस, और आपका एसटीसी का कैसा एक्सपीरियंस था भैया? वो भी टीचर तो मैं बस ऐसी हूँ, टीचर तो हम बनते नहीं है, बना देते हैं गुरुदेव, है ना। तो हम तो जो काम है वो एज अ सेवा करते जाओ विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो तब फिर मुझे TTC1 में गया, मैं TTC1 5 साल के बाद गया, और फिर बिकॉज मेरी वाइफ कंफर्टेबल नहीं थी, शी सेड आप तुम उधर जाओगे तो बाबा बन जाओगे। मैं बोला नहीं भाई, जब तू खुश है, जब तू मुझे भेजेंगी तभी मैं जाऊँगा, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फर्स्ट देन एनीबडी एल्स। तो जब फिर उसने बोला नहीं अभी तुम जाओ, तब मैं TTC2 के लिए गया, और 2007 में मैं TTC2 किया, और फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं टीचर बन गया। तो जब मैं वो चेयर पे होता हूँ तभी टीचर होता हूँ, वैसे तो मैं वॉलंटियर ही हूँ आपके जैसे, सबके जैसा, है ना, आई एम विथ ऑल ऑफ यू। हाँ, टीचर तो वो सिर्फ गुरुदेव है, टीचर वो चेयर टीचर है, हम टीचर नहीं है, हम तो वो सिर्फ वो माइक का काम करते, दैट्स इट, नथिंग एल्स, यू नो, वी आर जस्ट द माइक, नथिंग एल्स, ऑल द साउंड एवरीथिंग इज फ्रॉम द मास्टर। और एसटीसी में तो बहुत सीखने को मिला, एसटीसी के दरमियान हमारे पूना और अहमदनगर में 900 टीचर्स है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये गुरुदेव का ज्ञान बहुत काम में आया प्रैक्टिकल रूप के अंदर, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, है ना, डू नॉट बिकम फुटबॉल, ये बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आ गई, है ना। और जो जब गुरुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ हमें एम्पावर भी करते हैं, ऐसा ही तुमको जवाबदारी नहीं देंगे, जब तुमको कोई भी जवाबदारी आर्ट ऑफ लिविंग से आती है समझ लो आप उसके लिए बने हुए हो। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा, मगर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई गॉट एम्पावर्ड बाय द मास्टर, जो क्वालिटीज अपने आप बाहर आने लगी, यू नो, गुरुदेव के सानिध्य में हमारी क्वालिटीज बढ़ने लगती है, टैलेंट्स मैनिफेस्ट, दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ अ मास्टर। कन्विंसिंग करने जाओगे तो दिमाग से आप बात कर रहे हो, दिमाग से बात नहीं करना है, दिल से बात करना है ना, आज नहीं तो कल तो करेगा ही, डोंट वरी, चिंता मत करो कि आपने बोला अभी कोर्स कर ले, नहीं ऐसे नहीं होगा, है ना। आपकी कितनी साधना है, आपका कितना इंटेंशन स्ट्रांग है, सामने वाले व्यक्ति का कितना पुण्य है, वो भी तो जरूरी है, सबको थोड़ी ना मिलती है क्रिया, उसकी भी पात्रता होनी चाहिए कुछ तो, है ना। तो हमारा काम एक ही है, लोगों को सिर्फ बोलते जाना है, हमारा अनुभव बोलते जाओ, दैट्स इट,
आई डोंट गो आफ्टर कन्विंसिंग पीपल, आई जस्ट टेल माई एक्सपीरियंस वॉट आई गॉट इन माई विच इज हेल्पफुल इन माई बिजनेस, विच इज हेल्पफुल इन माई रिलेशनशिप, विच इज हेल्पफुल इन माई लाइफ. इफ दे वॉन्ट टू डू इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट नाउ डू इट आफ्टर 10 years, इट्स ओके. या वैल्यू कम नहीं करना है कन्विंस करके किसी को भी. हमारी कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. या सो कीप इट लाइक दैट, लेट देम कम आफ्टर यू. यस भैया, ये हमने जब देखा था कि गुरुदेव आए थे और आप होस्ट कर रहे थे एंड इट वाज इन पुणे इटसेल्फ. तो गुरुदेव जब आते हैं, आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, काफी सारी चीजें होती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू टेक केयर इन अ वेरी बिग लेवल. तो ये सब आप मैनेज कैसे करते हो? और उस टाइम कुछ आप स्टोरीज जो हुआ हो जब गुरुदेव आए थे, इफ यू कैन शेयर सम स्टोरीज विद गुरुदेव, इट विल बी वेरी नाइस. या गुरुदेव का इतना छोटे छोटे चीजों पे ख्याल रहता है ना. देखो जब गुरुदेव आते हैं ना तो बहुत इवेंट तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और तभी भी हम अगर कर्ता भाव में जाएंगे कि मैं कर रहा हूं तो काम नहीं होते हैं. जब आप बोलते हो अरे मैं मेरा 100% देने वाला हूं, देन लेट इट हैपन, तो काम लॉजिक के बियॉन्ड होते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक लिमिटेड है और गुरुदेव तो बियॉन्ड लॉजिक है. तो एक बार क्या हुआ था, हम लोग सब चाहते थे कि गुरुदेव को मिले, सब जोनल टीचर कोऑर्डिनेटर्स और सबका मिलना नहीं हुआ था गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव का जाने का टाइम हो गया था, और हमारी सबकी बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव का सबको दर्शन होना चाहिए, इतना लोगों ने काम किया है. तो कोई सिक्योरिटी वाला हमको जाने नहीं दे रहा था, बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, कहाँ सुरसा थी तो कहाँ लंकिनी थी. तो मगर थोड़े टाइम के बाद हमको गुरुदेव का ही कॉल आता है, अरे वो ग्रुप को लेके आ जाओ भाई. तो गुरुदेव ने खुद ही हमको बुला लिया और फिर सबके दर्शन आराम से हो गए. जब हम वो इच्छा को छोड़ देते हैं, समर्पण करते हैं, तो द बिग माइंड नोज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्मॉल माइंड. द बिग माइंड इज मोर पावरफुल देन द स्मॉल माइंड. क्या तो ये हमने बहुत बार इसका अनुभव किया है. एक बार मैं एयरपोर्ट से गुरुदेव के गाड़ी में बैठा था और बहुत मन के अंदर बहुत सारे विचार थे ना, अभी ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इतना एक्साइटमेंट रहता है तब. और जैसे ही आप गुरुदेव के साथ गाड़ी में बैठो, शांत हो जाता है एकदम. हाँ, जैसे सागर के अंदर कुछ चीजें डालते हो तो सागर कैसे शांत रहता है ना, तो गुरुदेव इतने प्रशांत है कि उनके सानिध्य में आने के बाद कितना भी मन में हलचल हो, एकदम शांत हो जाता है. सब मेरे विचार कंप्लीटली ब्लैंक हो गए, पूरे पूरे ब्लैंक हो गए, जो भी मैं बोलना चाहता था वो सब भूल गया. तो गुरुदेव के सानिध्य में ये सहज संभव है. सहज संभव है. और ऐसे ही नहीं कि उनके फिजिकल सानिध्य में, जब भी आप उनको दिल से याद करते हो तो वो आपके पास है. एक बार मैं बहुत परेशान था और उस वक्त संस्कार चैनल पे गुरुदेव का सुबह आता था, आपको पता होगा 7:30 to 7:45 गुरुदेव यूज टू कम इन द मॉर्निंग. मुझे बहुत परेशान, बहुत क्या पता क्या वाई, बहुत वाई वाई चल रहा था माइंड के अंदर. और तब गुरुदेव संस्कार चैनल में कुछ तो बात कर रहे थे और तब गुरुदेव बोलते, हाँ सुनील तू परेशान क्यों है? मैं बोला, कहां से कुछ भी मैसेज दे सकते हैं अपना गुरु बाबा. हाँ, तो तब मैं समझा कि मैं टीवी में बोला भैया ने, गुरुदेव ने ऐसा. हाँ. तो ये सब चीजें हमारे लॉजिक के बियॉन्ड है. यू नो, गुरु को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ही अच्छा है. क्योंकि वो समझ के बाहर है, उनमें तो सिर्फ हमें यू नो मस्ती करना है, बहुत गुरुदेव के साथ मस्ती करना है, भक्ति में रहना है और जो काम है वो काम करते जाना है, दैट्स इट.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू लॉट ऑफ फन ऑल्सो, है ना. हनुमान जी ने भी बहुत मस्ती की थी, लंका जब जलाई थी तो बहुत मस्ती की थी उन्होंने. तो मस्ती भी जरूरी है. यस भैया, एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, इसमें कहते हैं कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ डिवोशन, और इस पाथ में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, वो भी कैसे पता चले, ये भी एक प्रश्न. हाँ, डिवोशन के अंदर ऑब्स्टेकल्स जो है वो तो गुरुदेव ने पतंजलि में भी बताया है कि 9 ऑब्स्टेकल्स है, अलग अलग 9 ऑब्स्टेकल्स है ना, व्याधि, संशय, प्रमादा, है ना, अलग अलग तरह के 9 ऑब्स्टेकल्स है. तो वो 9 ऑब्स्टेकल आप पतंजलि योग सूत्र जब गुरुदेव का सुनोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा. हाँ, तो वही 9 ऑब्स्टेकल डिवोशन में आते हैं. व्याधि 2 लेवल पे हो सकती है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, है ना. फिर संशय होता है, प्रमाद होता है यानी आलस होता है, अविरत, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर 9 अलग अलग. अंगमय जयत्व होता है ना, ऐसे 9 ऑब्स्टेकल उसमें दिए हैं प्रॉपर. तो वो ऑब्स्टेकल आप अच्छे से देखिए. सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मैं सोचता हूँ हमारा आलस होता है. आलस हमें बहुत परेशान करता है. तो आलस के लिए क्या करना चाहिए, कमिटमेंट लेना जरूरी है. आलस किसके लिए आता है, सेवा के लिए आलस आएगा, साधना के लिए आएगा, सत्संग के लिए आएगा. साधना के लिए क्या करना चाहिए कि मैं 10 दिन रोज क्रिया करूंगा या करूंगी, दैट्स इट. 10 दिन का संकल्प ले लो, वो पूरा होने के बाद चॉकलेट खा लो, एक दो खुद को गिफ्ट दे दो. फिर और 15 दिन का ले लो, है ना, ऐसे कर सकते हैं. सेवा के लिए आलस आएगा, मैं क्यों करूं, क्या फर्क पड़ने वाला है, सेवा से मुझे क्या मिलने वाला है, उसके बारे में आलस आता है बहुत, है ना. हमारा अहंकार बीच में आता है, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे होगा क्या. तो वो आलस को आपको कोई भी सीनियर टीचर के साथ आप जुड़ जाओ, दैट्स इट. जो व्यक्ति कमिटेड है उसके साथ जुड़ जाओ, दैट्स इट. वो व्यक्ति आपको खींचकर लेकर जाएगा. आप सेवा मत करो, उनके साथ जुड़ जाओ, दैट्स इट. उनके साथ टाइम बिताओ, अपने आप सेवा करोगे. या और सत्संग के अंदर कभी लगता है सत्संग में क्यों करूं, तो गुरुदेव का नॉलेज भी आप सुनते हो तो सत्संग ही है भाई, है ना. आप ये सेशन में आते हो तो सत्संग ही है. तो आप सब चीजें कर रहे हो, उसकी तीव्रता को बढ़ा देंगे हम. लेट अस इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट. एंड डोंट बी इन द गिल्ट. हमारे गुरु तो इतने जबरदस्त है, तो गिल्ट में बिल्कुल रहना नहीं हमको. आप सेवा कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, ये समझ के चलो. या तो और बढ़िया होती. या किसी और को भी कुछ प्रश्न पूछना है, द फोरम इज ओपन टू एवरीवन, तो आप लोग भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. जितने भी 62 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अगर कुछ पूछना है. एक सवाल मेरे मन में था हनुमान जी से रिलेटेड, कि वो उनको उनका जिक्र महाभारत में भी हुआ है, एंड स्टिल इट इज सेड दैट ही इज ऑलवेज, बाकी सब देवी देवता चले गए अपने लोक में, लेकिन वो यही पे है इन पृथ्वी लोक. इसमें कितनी सच्चाई है ना. सच्चाई 100% सच्चाई है. आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो, आपको बहुत बार प्रचीति होगी हनुमान जी की, बहुत बार. हम तो हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, है ना. तो बहुत बार हमें प्रचीति होती है हनुमान जी की, बहुत बार अलग अलग रूप में प्रचीति होती है. एक बार एक दिया पूरा, एक जगह गिरने ही वाला था पूरा, मगर वो दिया कैसे सुंदरकांड खत्म होने तक रहा हमें, हम सोच नहीं सकते, विश्वास नहीं हो सकता है. उसको कोई आधार ही नहीं था उस दिए को, मगर वो दिया अगर गिर जाता था तो बहुत सारा कुछ हो जाता था वहां पे, मगर वो दिया गिरा नहीं, कैसे रहा पता नहीं. ऐसे बहुत बार आपको प्रचीति होती है हनुमान जी की. तो ऐसे बोलते हैं ना, अलग अलग चिरंजीवी है, उसमें से हनुमान जी एक चिरंजीवी है. उन्हें सीता मैया का वरदान भी है. सीता मैया
जब हनुमान जी जाते हैं वापस लंका से इंडिया, या उसके पहले इनफैक्ट, तो सीता मैया उन्हें वरदान देती है, अमर अजर, वो बोलते हैं ना, तुम कभी भी अजर नहीं रहोगे, यानी यू विल नेवर बी ओल्ड, यू विल नेवर लीव द बॉडी. सो इट इज आशीर्वाद फ्रॉम सीता मैया ऑल्सो. एंड सीता इज अ फॉर्म ऑफ शक्ति, इट इज लाइक शिवा एंड शक्ति होते हैं ना, तो वैसे सीता मैया का आशीर्वाद है उनको. तो हनुमान जी तो अमर है, तो वो तो है, दिस इज अ फैक्ट, एंड वी हैव सीन इट मेनी मेनी टाइम्स, एंड मेनी पीपल हैव ऑब्जर्व्ड इट, यू नो, तुलसीदास, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट. तुलसीदास जी ने देखा है उनको, समर्थ रामदास ने देखा है, माधवाचार्य ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने हनुमान जी की साक्षात रूप में दर्शन किए हैं. तो बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं क्योंकि वो बताने लायक बात नहीं है, अनुभव की बात है, मगर वो इसलिए वो अच्छा है उसी रूप में और बने रहे. या ठीक है, या एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ जी, हाँ पूछ. मेरा नाम प्रशांत है. मैं सबसे पहले तो ग्रेटफुल इस बात के लिए हूँ कि आपने इतना ब्यूटीफुली, यू नो, योर स्माइल हैज सेड अ लॉट मोर देन योर वर्ड्स, एंड आई कैन फील द, यू नो, वाइब्रेशंस. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट, मतलब इसे डिस्कस नहीं किया जाता मोस्टली, और आपने जिस तरीके से इसको अपनी साधना और इससे कनेक्टेड, इससे हम और कनेक्टेड फील कर रहे हैं, स्पेशली हनुमान जी से. और भैया मुझे एक बात पूछनी थी कि हनुमान जी जैसे, मैं क्वेश्चन ही भूल गया, सॉरी, क्वेश्चन भूल गया मैं. हनुमान जी पढ़ते हैं, मतलब उनके बारे में, तो जैसे आपने प्रचेती के बारे में बोला, तो यू नो एक बात होती है कि हाँ हम पढ़ते हैं. बीच में मैं जैसे प्रसाद चढ़ाने जाता था तो मैं पंडित जी से पूछता था कि पंडित जी मुझे ना फील नहीं होता कुछ हनुमान जी के बारे में, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं फील करूँ पर मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि उनकी, जैसे गुरु जी के प्रति होता है कई बार. शुरू में ऐसा होता था, मतलब गुरु जी के प्रति भी नहीं होता था, बस स्लोली स्लोली होने लग गया, बट वो डिवोशन नहीं आ रहा है. तो वट शुड आई डू इन दैट केस? डोंट वरी, ज्यादा कोशिश मत करो. वो एक दिन वो, हाँ, जैसे गुरु जी सगुण रूप में है ना, इसलिए हम कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट विद द फॉर्म. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद द फॉर्मलेस. या सो इट इज ऑल राइट. गुरुदेव इज द फॉर्म ऑफ हनुमाना और रामा, ऐसे समझ दो, उनमें ही सब देखो. दैट्स इट. जो कलाएं देखी हनुमान जी में, वो सब कलाएं आप गुरु जी में देख सकते हो. वो सजगता, वो हम्बलनेस, वो प्यार, वो भक्ति, वो शक्ति, है कि नहीं, वो इंटेलिजेंस, वो बच्चा कापन, वो मस्ती, सब हनुमान जी के गुण तो गुरुदेव में है ही, 100%, है कि नहीं. हाँ, तो हनुमान जी क्या वैसे हर वक्त क्या ऐसे थोड़ी आने वाले बंदर बन के भाई. उस टाइम बंदर की जरूरत थी, इसलिए बंदर बन के आए, है ना. अभी हमको गुरु की जरूरत है तो गुरु बन के आ गए, समझ रहे हो. हाँ, एक आटे का अलग अलग चीजें बनती है, पराठा भी बनता है, समोसा भी बनता है, आटा तो वही है. सही. तो आटे को पकड़ के रखना है, समोसे को नहीं पकड़ना है. बिल्कुल सही भैया, बहुत बढ़िया. यस जी, जय गुरुदेव. अभी आपने जैसा बताया कि गुरुजी को आपने एक ऐसा घुमाया तो हो जाता है, सही में मेरे इसमें हुआ है. जब भी बालेवाड़ी स्टेडियम में आए थे तभी क्या हुआ, एकदम वॉलंटियर्स का पूरा भर गया था, एरिया सब महाराष्ट्र से सब लोग आए थे, वो एसी फुल चालू था. जस्ट मैंने मेरे वो ऐसा एक मेरे पास जो पैम्पलेट था मैं उसको ऐसा किया, गुरुजी बोले एसी चालू है ना, गर्म हो रहा है, ऐसा बोले. मेरे को तो इतना शॉक हो गया कि और कोई किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने ऐसा किया था.
आप बोल रहे हैं ना, उनको हर एक चीज को एक नजर उनको काफी हो जाता है, और उन्होंने इमीडिएटली बोला जस्ट जो भी है उसका ये सब करो, वो थोड़ा सब लोगों को गर्म हो रहा है, मेरे को तो इधर ठंडा बज रहा है, ऐसे बोले थे। इतना मतलब हर चीज अपना ध्यान रखता है, उसका मेरा बोलने का मतलब था। मैंने खुद अनुभव किया इसीलिए वो आई वॉन्ट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। जय गुरुदेव। सही में एक छोटा सा मैं जस्ट एक पैम्पलेट को ऐसा किया, वो स्पॉटलाइट उसके ऐसा उनको उनको नजर गया पता नहीं, इतना गर्दी में हम इतना छोटे बैठे हैं ग्रुप में, उनको कैसा ऐसा में करने से एसी है गर्म हो रहा है आपको ऐसा बोले। सही में मुझे यकीन ही नहीं होता है आज तक, और बहुत ही ये लगा, आंख में अपने आप पानी आने लगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव का कनेक्शन हमारे हर एक के साथ उतना ही गहरा है जितना हम चाहते हैं। जितना आप चाहते हो उतना गहरा आपके साथ गुरुदेव का कनेक्शन है। वन टू वन, नो बडी इन बिटवीन, नो बडी इन बिटवीन। हाँ, तो कभी हमारे भक्ति के ऊपर, हमारे श्रद्धा के ऊपर हमें संशय नहीं करना है। Do not doubt your faith. Yeah? Very important. Yeah. भैया मैं कुछ बोलना चाहती हूँ भैया। हाँ रमा बोलो। भैया मैं तो आई थी आपको पता है दिसंबर में, तो फरवरी में ये 16 तारीख को पापा का सेरेब्रल डीएसए का बोला डॉक्टर ने, तो 18 तारीख को पापा का सेरेब्रल डीएसए करवाया ब्रेन का, ब्रेन में ब्लड क्लॉट था पापा के। तो 20 तारीख को 19 को मेरी टिकट थी बैंगलोर आश्रम के लिए, बैंगलोर के लिए महाशिवरात्रि के लिए। तो डॉक्टर गए अंदर, सेरेब्रल डीएसए वगैरह हो रहा है कर रहा है, तो डॉक्टर आके बोलते हैं जितना ब्लॉकेजेस सोचा था कहीं उससे कहीं ज्यादा ब्लॉकेजेस है ब्रेन में। लेकिन आधे घंटे के बाद जो सेरेब्रल डीएसए जो डॉक्टर कर रहे थे उन्होंने आके बोला एक भी ब्लॉकेजेस नहीं है, बस एक डॉट जैसा ये है ब्लड क्लॉट। मतलब मेरा जाना भी हो गया वहां पे, पापा का जाने से पहले, मेरे जाने से पहले पापा का सेरेब्रल डीएसए भी एकदम नॉर्मल आया, सब कुछ नॉर्मल आया। वहां पे गई गुरुदेव के लड्डू बना के लेके गई थी, गुरुदेव को पूरा लड्डू का डब्बा दे के आई महाशिवरात्रि वाले दिन। फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने उनके पैर छुए। भैया 2 महीने में मतलब मैंने गुरुदेव के दर्शन कर लिए भैया। आई फील सो ब्लेस्ड। तुम्हारी इच्छा थी ना बहुत, तुम्हारी अंदर से बहुत तड़प थी, वो तड़प की तो प्यास बुझाना। आप ही लेके आए मुझे इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में, आपके इससे ही आई मैं। टाइम हो गया था तुम्हारा, सच्ची अच्छा हो गया, वेरी गुड भैया। मेरी तो मेडिसिन छूट गई ना सब, एंजाइटी डिप्रेशन डायबिटीज सब मेडिसिन बंद हो गई मेरी तो अभी। हाँ रूमा की सब मेडिसिन बंद हो गई। डॉक्टर तो आश्चर्य करे कि 7 महीने में इतना हाई डायबिटीज वाली लड़की को इतनी जल्दी मेडिसिन कैसे बंद हो सकती है डायबिटीज की। और डिप्रेशन एंजाइटी की जो मेडिसिन 8 साल से ले रही थी वो भी बंद हो गई मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस पापा एक करने लग जाए, बस ये सुदर्शन क्रिया का कोर्स कर लिया उन्होंने, लेकिन 2 दिन किया बस कोर्स करने के बाद, अप्रैल के बाद क्रिया हो जाएगा, किया ही नहीं पापा ने। हो जाएगा कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम प्रार्थना करते रहो, हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है बढ़िया। अभी हम जाने से पहले एक मंत्र का सुनेंगे सब लोग, और कुछ प्रश्न है पहले सतीश भाई बोलो। नहीं नहीं, I just wanted to say जय गुरुदेव। So fortunate, you know, कितने टाइम से सोच रहा था मैं आपसे मिलना है, और मतलब आज सवेरे से मुझे लग रहा था कि आपसे बात करनी है, मिलना है, और मैं ऐसे ही फेसबुक पे चला गया और फर्स्ट नेम सुनील फुद्दर जी का आया। मैं बोला नथिंग डूइंग, खाना बाद में खाते हैं, आप सेशन अटेंड कर लेते हैं ना, तो वंडरफुल। गुरु जी ने सब कमाल कर देते, सबकी इच्छा पूरी हो जाती है। अनिल भैया आपका एक लास्ट मैसेज भी हम लोग सबके लिए, भैया आप चैंट करने के लिए कह रहे थे भैया कुछ।
हाँ मैं एक कम स्टैंड करेंगे मैसेज, एक बहुत सिंपल मैसेज है। देखो जैसे हनुमान जी को बहुत तपस्या के बाद राम जी मिले हैं, वैसे हमें पता नहीं कितने तपस्या हमने पहले की हो, हमें गुरुदेव मिले। तो हमें इस सगुण रूप में जो ब्रह्मात्मा जो हमें मिले हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो खुद को तो सबसे पहले आप धन्यवाद दो, है ना, कि आपने, आपके जीवन में गुरुदेव हैं। और दूसरी बात, कभी भी हमारे भक्ति को हमको डाउट नहीं करना, बिल्कुल डाउट नहीं करना है। गुरुदेव हम सबको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो, यू नो, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। गुरुजी में कंपैरिजन चीज नहीं है। गुरुदेव हमको सबको बहुत प्यार करते हैं। एक माँ जितनी प्यार करती है उससे हजारों गुना ज्यादा हमारे गुरु हमको प्यार करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक वो प्यार का स्तंभ है। और इस टाइम के अंदर आप देखो कि पिछले 5-6 महीने हो गए, लोग इतने डर में हैं, एंजाइटी में हैं, मगर जो रेगुलर साधना कर रहे हैं उनके जीवन में कुछ डर नहीं है, कुछ एंजाइटी नहीं है। ऐसे हमको गुरुदेव हमारे गोद में लेके उठा के लेके जा रहे हैं। भैया एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं। करोड़ों लोगों के अंदर हम बहुत भाग्यशाली कि हमको हमारे गुरु ऐसे बच्चे जैसा उठा के लेके जा रहे हैं। तो आप अपने गुरु को बहुत प्रिय हो, बस इतना समझ लेना चाहिए। क्या भैया एक आर्ट ऑफ लिविंग में आके, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोरोना आने वाला था, इसीलिए गुरुदेव ने पहले से मुझे अपने आर्ट ऑफ लिविंग में ले लिया, क्योंकि मैं इतनी एंजाइटी और इतनी डर में रहती हूँ ना भैया, मतलब ये कोरोना आया जब से इतनी डर में रहती रहने लग गई ना मैं। लेकिन अब ये 2-3 महीनों से इतना, मतलब ये हो गया है ना, रेगुलर साधना, रेगुलर सब कुछ हो रहा है मेरा, मतलब वो डर भी है, मतलब अपने आप ही छूमंतर हो गया पूरा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोरोना आने वाला था, इसलिए पहले से गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। गुरुदेव को पता था। बढ़िया, आंखें बंद करते हैं। ये 3 मिनट का है, राम अष्टकम है, राम जी का नाम है, बहुत सुंदर है, मेडिटेटिव है। आंखें बंद करके हम इसको सुनेंगे। वचने अहितम् रागेण गीतम् वचने अहितम्
बंद कर ले। वाइब्रेशन के साथ रहे। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति सकलमंगलं भवन्तु। और कृतज्ञ के भाव से सांस ले और मुस्कुराते हुए सांस को छोड़े। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो मच सुनील भैया। थैंक यू सो मच। Thank you, Bhaiya, for a wonderful session. Fantastic, Abhishek and Vijay ji and the whole team. This is a very, very nice initiative that you guys have taken. You know, this is fantastic that before we go to bed, we remember the Master. Before we go to bed, we give everything what has happened in the day to the Master. Good, bad, whatever we cannot define. Let's offer it to the Master and go to sleep quietly, nicely, fresh again tomorrow morning. Thank you. Thank you so much. Thanks for your words. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, और वाकई में कई बार सुंदरकांड पढ़ा लेकिन आज एक नए दृष्टिकोण से जो आपने स्पेशली बात बताई, वो इच्छाओं का त्याग करना और किस तरीके से सजगता लेके आना और विनम्रता, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। Thanks to all. Thanks to all. Thank you for your session. Thank you very much. Thank you so much. बाकी सब लोग भी unmute कर सकते हैं, they can say something. Yes.